नमस्कार दोस्तों, केम छम्मे भार्गव पटेल हाईटेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप अपने बच्चों पर या फिर आपका फ्रेंड हो कोई पर उस पर या फिर आपके कोई रिश्तेदार या कोई गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो उस पर आप नजर रखना चाहते हैं कि वो किसके साथ बात कर रहे हैं, किसका जो उसके कॉल लिस्ट में कौन कौन से कॉन्टेक्ट है, व्हाट्सएप पर कौन कौन मैसेज कर रहा है, उसके गैलरीज के अंदर कौन सी फोटोज है, कौन से वीडियोज है, कुछ एडल्ट कंटेंट है, फोन कंटेंट है या नहीं है, ये आपके बच्चों पर या फिर आपके जैसे कि मैंने बताया आपके फ्रेंड हो गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो किसी के ऊपर भी आप ये ट्रिक आजमा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ 5 मिनट के लिए दोस्तों सिर्फ उसका मोबाइल आपको चाहिए, तो ये जब पॉसिबल होता है तो ये वीडियो को आगे देखें, क्योंकि आपको पहली बार तो 5 या 10 मिनट के लिए उसका मोबाइल आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूँ वहाँ पर एक आपको इजी सेटअप करना होता है फर्स्ट टाइम। जब आप वो इजी सेटअप जब आप कर देते हैं और तब क्या होता है कि फिर आपको कुछ करना नहीं होता है, सिर्फ आपके खुद के मोबाइल से या खुद के लैपटॉप या कंप्यूटर से आपको उनके मोबाइल पर स्पाइक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या वो कर रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं, कौन से मैसेज आ रहा है, डिवाइस कहाँ पर है, अभी GPS लोकेशन आ जाएगा, डिवाइस में कौन कौन से अभी फोटोज भेज रहा है, कौन भेज रहा है, व्हाट्सएप पर कौन से मैसेज है, कौन भेज रहा है या फिर कौन कॉल कर रहा है, कितनी देर तक कॉल कर रहा है, कब कॉल आया था, दोस्तों एवरी डिटेल यू कैन फाइंड देयर। तो मैं इसीलिए आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों सबसे पहले आपको आपके कोई भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं वहां पर चले जाना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पर आपको नहीं मिलेगा। तो यहां पर मैं यूसी ब्राउजर यूज कर रहा हूं, तो यहां पर आपको गूगल में लिखना है स्पाई ह्यूमन। जैसे ही आप यहां पर स्पाई ह्यूमन लिखते हो तो दोस्तों यहां पर पहली ही वेबसाइट आ जाती है, तो वहां पर आपको सिर्फ क्लिक करके ये वेबसाइट ओपन करनी है या फिर उस यहां पर आपने डाउनलोड नाउ लिखा है वहां पर क्लिक करके भी ये एप्लीकेशन जो है डाउनलोड इजीली कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहां से ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता हूं, और डाउनलोड जैसे ही एप्लीकेशन हो जाती है तो उसके बाद दोस्तों जो है आपको ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देना है। तो दोस्तों ये यहां पर मैं एप्लीकेशन को इंस्टॉल भी कर देता हूं। आप जिसके भी मोबाइल में आप तो देखना चाहते हैं कि कितने कौन कॉल कर रहा है, कितने मैसेज आ रहे हैं, किसके मैसेज आ रहे हैं, उनके मोबाइल आपके हाथ में एक बार आना चाहिए और एक बार आपको ये प्रोसेस करना ज़रूरी है। ये प्रोसेस दोस्तों सिर्फ 5 मिनट की है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। फर्स्ट टाइम दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर एप्लीकेशन जो है ओपन हो गया है, तो यहाँ पर ये सभी परमिशन से ये आपसे मांग रहा है कि कुछ कुछ परमिशन हमको अलाउ करनी होती है, तो आपके एंड्रॉयड वर्जन के हिसाब से आप यहाँ पर आप एक्सेसिबिलिटी या परमिशन में जाकर उसको अलाउ कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो है ओपन करके यहाँ पर मैं परमिशन सब अलाउ कर देता हूँ दोस्तों, पर दोस्तों मैं आई एग्री कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एग्री कर लिया। और यहाँ पर दोस्तों डिवाइस नेम में आपको ऐसा नहीं है कि कुछ भी लिख सकते हैं, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों फ़ोन नंबर, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर है, फ़ोन नंबर है, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों सिर्फ ईमेल आईडी और पासवर्ड जो है आप राइट लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया और फिर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है दोस्तों। जैसे ही दोस्तों आपका एप्लीकेशन आप रजिस्टर कर लेते हो फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पर लिखा है कि अनेबल स्टेल्थ मोड, तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो ये एप्लीकेशन जो है अपने आप हिडन हो जाता है। तो सिर्फ 5 मिनट का ये रजिस्ट्रेशन और इंस्टॉलेशन करने के बाद यहाँ पर आपको एनेबल स्टेल्थ मोड पर क्लिक कर देना है दोस्तों, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन जो है यहाँ से हट जाएगा अपने आप। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन अभी चली गई है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन चला गया है। अब आपको करना क्या है कि ये काम आपका हो गया है, इस मोबाइल को आप कुछ भी कर सकते हो, आप किसी को भी पता भी नहीं चलेगा कि इस मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल है या कुछ भी है। अब किसी का भी फ़ोन आता है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर गूगल में आपको लिखना है जो सेम लिखा था वो स्पाई ह्यूमन। जब आपको चेक करना होता है तो आपको गूगल में लिखना है स्पाई ह्यूमन। ये प्रोसेस आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है लॉगिन एंड रजिस्टर, देखिए
तो यहाँ पर दोस्तों लिखा है लॉग इन एंड रजिस्टर, तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको बताना क्या है कि जो भी यहाँ पर आपने यूजर नेम और पासवर्ड आप वो एप्लीकेशन में डाले थे यानी कि वो आपको यहाँ पर डालना है और लॉग इन कर देना है दोस्तों। दोस्तों जैसे ही आप लॉग इन हो जाते हो तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि किस कितने कॉल आए हुए हैं, कॉल लॉग्स, यहाँ पर एसएमएस में आप एसएमएस भी पढ़ सकते हैं, जीपीएस लोकेशन में भी आपको पता चल जाएगा, ऐप डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि कितने एप्लीकेशन इंस्टॉल है, सोशल मीडिया पर चले जाएंगे तो उस नोटिफिकेशन को भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकेंगे, कॉन्टेक्ट लिस्ट में कितने कॉन्टेक्ट है वो भी आप देख सकेंगे। दोस्तों यहाँ पर कॉल लॉग्स में आपको यहाँ पर व्यू मोर देखते हैं तो यहाँ पर आपको डिटेल में दिखाएंगे कि किसका कॉल आया था, कितनी देर तक चला और कौन सा टाइम था जहां पर वो कॉल आया था, वो इनकमिंग है या मिस कॉल है या आउटगोइंग है, यहां पर आप सब कुछ देख सकते हैं दोस्तों। यहां पर साइड में से आप यहां पर एसएमएस रिकॉर्ड्स पर क्लिक कर सकते हैं दोस्तों, वहां से आप देख सकते हैं कि किसका मैसेज आया था, कब तक आया था, का डेट और टाइम यहां पर दिखाई देगा, कौन सा मैसेज है सब कुछ आप देख सकेंगे, उसका नाम सेव है तो वो आपको नाम यहाँ से पढ़ सकेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं कॉन्टेक्ट बुक, तो दोस्तों कॉन्टेक्ट बुक में आपको जिसके मोबाइल में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल की है आपने तो उसके अंदर कौन कौन से कॉन्टेक्ट सेव है, किस नाम से सेव है, नंबर कौन सा है, वो सब कुछ कब सेव किया था, वो सब कुछ डिटेल यहाँ से आप एक्सेस कर सकेंगे। आप अपने घर पर बैठे हुए आप एप्लीकेशन डिटेल्स में चले जाते हो तो दोस्तों यहाँ पर देखा है कि लिखा है कि फेसबुक इंस्टॉल है, व्हाट्सएप अभी अनइंस्टॉल कर दिया है, वीचैट भी इंस्टॉल है, तो इसी आपसे आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर रिमोट कंट्रोल यानी कि आप अपने घर पर बैठे बैठे उसका वाईफाई डिसेबल कर सकते हैं, एनेबल कर सकते हैं यानी कि वाईफाई को ऑन ऑफ कर सकते हैं दोस्तों, उसके मोबाइल को वाइब्रेट कर सकते हैं, रिंग कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक मज़ेदार फीचर ये है कि रिमोट फोटो कैप्चर यानी कि आपको लगता है कि ये किसी का फोटो किसके साथ बात कर रहे हो और ये फोटो लेना ज़रूरी है तो यहाँ पर फ्रंट कैमरा पर ओपन करके यहाँ पर कैप्चर नाउ पर दोस्तों क्लिक करना है। जैसे कैप्चर नाव पर दोस्तों क्लिक करते हैं तो वो जो मोबाइल उसकी लाइट भी ऑन नहीं होगी और अपने आप ही एक जो फोटो हो वो कैप्चर होकर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि कौन है, या फिर आपको रियर कैमरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक और मज़ेदार बात यह है कि डिवाइस इंफॉर्मेशन में से आप डिवाइस की सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है, अभी वाईफाई चल मोबाइल में ऑन है या ऑफ है, एप्लीकेशन कितने हैं, यहाँ पर बैटरी कितनी है, IMEI नंबर, लास्ट ऑनलाइन यानी कि कब ओपन किया था, ये सब कुछ यहाँ पर डिवाइस का मॉडल, कितनी रैम है यहाँ पर, कितनी स्टोरेज है, ये सब कुछ आप देख सकते हैं दोस्तों। मज़ेदार बात यह है कि कॉल डिटेल में जाकर आप कॉल को आप ब्लॉक भी कर सकते हैं, चाहे किसी भी नंबर को आप यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर बहुत सारे ऐप और भी मज़ेदार फीचर है कि आपको उसकी बात सुनना चाहते हैं दोस्तों तो आप यहाँ से रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्या बात कर रहे हैं दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, तो ये आपको काफी भी पसंद भी आया होगा, तो ऐसे ही नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए आओ जो